नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AB Tech में। दैनिक रोजगार समाचार सायंकाल के अंतर्गत कई सारी बड़ी अपडेट दोस्तों निकल के आ रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं LT ग्रेड को लेकर के। आप लोग जानते हैं LT ग्रेड को लेकर के आज लोक सेवा आयोग में प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से धरना प्रदर्शन था। मामला यहाँ पर था LT हिंदी सामाजिक विज्ञान का, और भी कई विषय इसमें शामिल हैं जिनको अवबंधिक रूप से रोक कर रखा गया है। तो कुल मिलाकर के उसको लेकर के अपडेट निकल के आ चुका है, तो इसकी अपडेट देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रतियोगी छात्रों की भीड़, लोक सेवा आयोग पर इतने सारे छात्र थे, इसके बाद और भी छात्र यहाँ पर उपस्थित थे। इसके बाद ये ज्ञापन दिया गया था लोक सेवा आयोग को। आज यहाँ पर आप लोग डेट देख पा रहे होंगे 1 फरवरी 2020। यहाँ पर कौन कौन सी मांगें थी, तो मांगों को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट पर इन्होंने लिखा कि 4 माह बाद भी अभी तक हिंदी सामाजिक विज्ञान के जो ज्वाइनिंग वगैरह आए नहीं हो पा रही हैं, फागली अभी तक शिक्षा निशारा नहीं भेजी गई, पहला मामला ये था। दूसरा, यहाँ पर 13 विषयों में अवबंधिक रूप से जो फाइलें रोकी गई उसको लेकर के है। तीसरा, यहाँ पर हिंदी विषय में जो चयनित साथी हैं जिनके इंटर में संस्कृत नहीं है उनके मामले को लेकर के, और एज अभ्यर्थियों के मामले को लेकर के है। कला विषय में BFA नॉन BED वाले मामले को लेकर था। LTGIC की प्रतीक्षा सूची के बारे में था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 6 मांगे थी जिसमें प्रतियोगी छात्र आज लोक सेवा आयोग गए हुए थे। अब इस पर क्या स्पष्टीकरण आया वो देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से, लिखा है आज दिनांक 1 फरवरी को विक्की खान के नेतृत्व में प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों छात्रों ने लोक सेवा आयोग पर धरना दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी उपस्थित रहा। प्रतियोगी छात्र आज LTGIC के अनेक बिंदुओं पर वार्ता हेतु चेयरमैन से मिलने के लिए आने रहे, किंतु मीडिया प्रभारी द्वारा प्रतियोगी छात्रों का अवगत कराया गया कि आज PCS का इंटरव्यू होने के कारण चेयरमैन साहब व्यस्त हैं। वार्ता में मीडिया प्रभारी ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद 30 जनवरी तक फाइल नहीं पहुँच पाई। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 30 फरवरी तक फाइल हम भेज देंगे, लेकिन फाइलें नहीं पहुंच पाई। लेकिन उनके अनुसार आज 1 फरवरी को हिंदी पुरुष की जो फाइल है वो शिक्षा निदेशालय भेज दी गई है, यानी आज एक फाइल हिंदी पुरुष वर्ग की फाइल पहुंच गई है और दूसरी जो हिंदी की फाइल है महिला वर्ग की, ये भी कहा है कि कल 2 फरवरी को भेज दी जाएगी और 1 सप्ताह के अंदर सामाजिक विज्ञान पुरुष तथा सामाजिक विज्ञान महिला दोनों फाइलें भेज दी जाएंगी। इसके बाद हिंदी विषय में अनिवार्य संस्कृत की अनिवार्यता को लेकर के उनका कहना था कि इस विषय पर हाईकोर्ट का जो भी आदेश आएगा उसका अनुपालन किया जाएगा। कला विषय में BFA नॉन BED पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में UGC एवं NCT से जवाब आ गया तथा वह पत्रावली अभी परीक्षा समिति के पास लंबित है, इस पर भी अतिशीघ्र निर्णय लिया जाएगा। औपबंधिक फाइलों के विषय में उनका कहना था कि वो फाइलें भी अतिशीघ्र भेज दी जाएंगी। मोर्चा अध्यक्ष विक्की खान कहना कि अगर 1 सप्ताह के भीतर चारों फाइलें निदेशालय नहीं पहुंची तो वे लोक सेवा आयोग पर आमरण अनशन करेंगे। इसके बाद प्रतियोगी मोर्चा की जो टीम है वह शिक्षा निदेशालय गई और यहाँ पर पता लगाया कि अभी तक फाइल आई है कि नहीं आई है। तो यहाँ से प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर हिंदी पुरुष वर्ग की फाइल आ चुकी है। बात कर लेते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण रिक्रूटमेंट के बारे में। कैग आप लोग जानते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको कैग कहते हैं। यहाँ पर 10,811 पदों पर भर्तियों के लिए ऑनलाइन फॉर्म आए हुए हैं, आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। 1 फरवरी की ही अपडेट ये है। नीचे यहाँ पर लिखा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग रिक्रूटमेंट 2021 के अंतर्गत 10,811 पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। देश भर के युवा अकाउंटेंट और ऑडिटर्स इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार 19 फरवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन इस वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का सारी चीज़ें जो है वहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। ऑफलाइन मोड में यहाँ पर एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। और लेखा पदों का ब्यौरा की बात कर लेते हैं, तो लेखा परीक्षक के 6,409 पद हैं, लेखाकार के 4,402 पद हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं दोस्तों, अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर दीजिए। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्तियां आई हुई हैं। 3,570 पदों पर ये भर्तियां हो रही हैं। जो इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ये आवेदन फॉर्म हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं कल से शुरू होंगे 2 फरवरी से 17 फरवरी तक। इसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो आयु सीमा है 21 से 40 वर्ष है और यहाँ पर शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई ये जानकारी यहाँ से आप लोग ले सकते हैं।
69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के दोस्तों दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पहली जो अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों वाले जोड़ने वाले मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी आज विनोद कुमार सिंह एंड वर्सेस में स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से। आज ये केस लगा हुआ था, इसकी आज सुनवाई हुई है। यहाँ पर डेट भी देख पा रहे होंगे 1 फरवरी 2020 की ये आज यहाँ पर सॉरी 2021 की आज यहाँ पर डेट लगी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को डिसमिस कर दिया है, मतलब खारिज कर दिया है। 22,000 सीटें जो जोड़ने के लिए अभ्यर्थी गए थे उनको बहुत ही निराशा हाथ में लगी है। तो कुल मिलाकर के ये कोर्ट जो केस था सुप्रीम कोर्ट से आज डिसमिस कर दिया गया है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों, 69,000 उत्तर कुंजी डबल बेंच मामले को लेकर के भी आज एक केस लगा था। ऋषभ मिश्रा की तरफ से ये एक याचिका लगी थी जिसकी कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सॉरी डबल बेंच में इसकी बहस हो रही थी लखनऊ में। तो कुल मिलाकर के अपडेट यहाँ से ये निकल के आया है कि डबल बेंच ने जो केस था वो डिसमिस कर दिया है और सिंगल बेंच को ये केस भेज दिया है। ठीक है, ऑलरेडी सिंगल बेंच में इसका केस लगा हुआ था लेकिन जो है डबल बेंच में भी केस पहुंच चुका था। तो वहां से डबल बेंच ने इसको क्या कर दिया है कि डायरेक्ट कर दिया है कि आप लोग जो सिंगल बेंच में केस लगा हुआ है उसी के अनुरूप यहां पर केस सारा कुछ होगा। तो कुल मिलाकर के जो सिंगल बेंच का केस है उसमें एक आ गया है कि जो उत्तर कुंजी थी उसमें कई सारे जो प्रश्न गलत हैं उसमें से यूजीसी से रिपोर्ट मांगी गई है कि यूजीसी उन प्रश्नों के बारे में क्या कहता है। यूजीसी रिपोर्ट मांगी गई है, उस रिपोर्ट के अनुसार ही 69,000 शिक्षक भर्ती में जो उत्तर कुंजी इस मामले को निपटारा किया जाएगा। प्रतियोगी छात्र भी यही चाह रहे थे कि उनको एक अच्छी जीत मिले। तो कुल मिलाकर के डबल बेंच से आज एक अच्छी जीत मिली है और अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि सिंगल बेंच में जो केस चल रहा उसी के अनुरूप हो, सारा कुछ अभ्यर्थियों के हित में अभी तक हुआ है। अब देखना ये होगा यूजीसी की क्या रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के अनुसार 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने क्वेश्चन और सही होते हैं। अगर ये क्वेश्चन सही होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी बाउंड्री लाइन में आए वो भी 69,000 शिक्षक भर्ती में आगे शामिल होंगे और उनकी भी सरकार को काउंसलिंग वगैरह करानी पड़ेगी। तो आने वाले टाइम पर अगर कोई अपडेट निकल के आता है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिया जाएगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले बीएड एग्जाम को लेकर के। बीएड 2021-23 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इस बार भी बीएड जो आपका कोर्स होगा वो 2 वर्षीय कोर्स होगा। जो आप लोग कह रहे थे कि 1 वर्षीय कोर्स होगा तो अभी 1 वर्षीय कोर्स नहीं शुरू किया गया है, 2 साल के बीएड के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके ऑनलाइन आवेदन 18 फरवरी से शुरू होंगे, 15 मार्च तक इसमें आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसकी जो परीक्षा होगी 19 मई को करवाई जाएगी, 19 मई को इसका एग्जाम है और जून में रिजल्ट जारी हो जाएगा और आपका जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फीस इस बार थोड़ा सा बढ़ा दी गई है इस कैटेगरी के लिए, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। वैसे 1500 और 750 रुपये फीस इसकी है। ठीक है, इसमें अगर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, जो कैंडिडेट एपियरिंग में है वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए, अगर उनका पीजी है तो बहुत अच्छी बात है, उनकी फिर परसेंटेज की कोई बाउंडेशन नहीं है। एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर बोला गया है कि ओनली ग्रेजुएशन में पास होना चाहिए, लेकिन जो कैंडिडेट बीटेक या बीई किए हुए हैं यानी इंजीनियरिंग में कोई डिग्री किए हुए इनके लिए 55% जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सारी डिटेल्स हमारे वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म आप लोग 18 फरवरी से भर पाएंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन वगैरह का यहाँ से डाउनलोड कर सकती हैं। तो ये हो गए दोस्तों आज की सारी अपडेट, ऐसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।